अंडरब्रिज का निर्माण कार्य अधूरा होने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। विधायक वोरा ने इस पर नाराजगी जताई है। रोज पटरियां पार कर हजारों लोग यहां से आवाजाही करते हैं। अधूरे कार्य को तत्काल पूरा कराए जाने को लेकर अधिकारियों को वोरा ने निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा ने पीडब्ल्यूडी अफसरों से रायपुर नाका और धमदा नाका अंडरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने कहा है। वोरा ने कहा कि दोनों अंडरब्रिजों का निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है, निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करना जरूरी होने की बात उन्होंने कही। वही नाराजगी जताते हुए वोरा ने अफसरों से सवाल तक कर दिया कि अंडरब्रिज का निर्माण आखिर कब तक पूरा हो पाएगा। अंडरब्रिज का निर्माण पूरा न होने से शहरवासियों को पटरीपार क्षेत्र से आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा है। पटरीपार से बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल पढ़ने आते देखे जा सकते हैं। स्कूली बच्चों के अलावा कॉलेज स्टूडेंट्स, महिलाएं, बुजुर्ग समेत हजारों नागरिकों को पटरी पार कर आवाजाही करना पड़ रहा है। वही विधायक वोरा ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि अंडरब्रिज का निर्माण धीमी गति से होने के कारण हर दिन रेल पटरियों को पार कर आवाजाही की मजबूरी से नागरिकों के साथ हादसा होने का भी खतरा बना हुआ है। बच्चों व नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंडरब्रिज का निर्माण तत्काल पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिए। वोरा ने इसके चलते सेतु निगम से अफसरों से कहा है कि दोनों अंडरब्रिज का निर्माण अतिशीघ्र पूरा करें ताकि नागरिकों को पटरी पार से मुख्य शहर में आवागमन की सुविधा मिल सके। साथ ही वोरा ने नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी को रायपुर नाका अंडरब्रिज के बगल में राजू टेलर से होते हुए एमआई चौक तक करीब 25 से 30 फीट चौड़े स्थान पर कॉन्क्रीट सड़क का निर्माण करने के भी कहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।